हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन बजट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही यानी कि अहम टॉपिक है और जो वीडियो है वो काफ़ी मालूमती वीडियो है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है। हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कभी हमें पिंपल्स निकल आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं यार नहीं हमारी स्किन तो ऑयली होगी, कभी जो है ड्राई हो जाती है, कभी कुछ सन टाइम ये होता है कि विंटर्स में ड्राई और समर में जो है वो बहुत ऑयली हो जाती है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हमारी स्किन की टाइप कौन सी है, किस तरह की हमारी स्किन है। तो ये पूरी वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है कि हमारी स्किन किस टाइप की है, हमें क्या करना चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं ऑयली स्किन के, नॉर्मल स्किन के, कॉम्बिनेशन स्किन के, इसके अलावा नॉर्मल स्किन के, इन सब चीज़ों के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन कौन से टाइप की है। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा एंड तक, आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी मालूमती वीडियो है, डोंट स्किप। और आप लोगों में से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। इट्स टोटली फ्री, तो प्लीज़ कीजिएगा। मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ और मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना और वो आप लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन टाइप्स कितने किस्म की होती हैं। हमारी स्किन टाइप 5 किस्म के होते हैं, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, उसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन। सबसे पहले आ जाती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कुछ नामुकम्मल सी होती है, कभी ड्राई कभी ऑयली, शदीद हसासियत से पाक होती है, चमकीला दरक्षा चेहरा होता है, बमुश्किल दिखाई देने वाले छेद वाली स्किन होती है, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश स्किन होती है। उसके बाद आ जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो होती है वो साफ़ होती है, चिकनी किस्म की स्किन होती है, इसमें लार्ज किस्म के पोजेज़ होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा थिक और डल होती है, कभी कभी पिंपल्स होते हैं, कभी ब्लैक हेड्स होते हैं और भारी भारी छेद भी इस स्किन में होते हैं, मोस्टली एशियन स्किन होती है। उसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में जो है इजीली फ्लश होता है, एक्नी, पोजेज, रैशेज, इंजर्ड स्किन होती है, बम्प्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हम इस पर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ड्राई पैचेस होते हैं, इची स्किन होती है, सन बर्न होता है, इसमें कैपिलरीज जो हैं वो शो होती हैं और किसी किस्म की कोई भी फ्रेगनेंस, कोई भी खुशबू जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है और खुश्क पेविंद किस्म के इसमें निशानात होते हैं। फ्रेंड, उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो ड्राई और ऑयली का मिक्सचर होती है, हमारे फॉरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे जो है हल्का सा पसीना रहता है, हमारे चिक्स जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, ये सर्दियों में ऑयली खुश्क होती है और गर्मियों में ये ऑयली रहती है, इसका भी खुश्क और चमकता हुआ चेहरा नज़र आता है और काफ़ी मिक्सिंग वाली स्किन होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाती है ड्राई स्किन। ये स्किन बहुत किस्म सख्त किस्म की होती है, चेहरा धोने के या हाथ लेने के बाद स्किन बहुत सख्त हो जाती है, रफ़ हो जाती है, दिखने में खारिश होती है, खुश्की से जो चेहरा होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, खुश्की की वजह से स्किन में पीलिंग, स्केलिंग हो जाती है, फाइन लाइंस और क्रैकर्स भी हो जाते हैं, ऐशी स्किन होती है और बहुत रेडनेस होती है, डीप क्रैक्स होते हैं जो ब्लीड की वजह बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।